हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप लोग दोस्तों। फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि कोई अगर बैरिंग साइज पार्ट बनाना है हमने, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास देखो अभी हाथ में पीस है, तो कोई कंबाइन का पीस हैगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बैरिंग साइज हमारा लगा हुआ है, एक 30 mm बैरिंग साइज है, ठीक है, 30 mm बैरिंग साइज है और दोनों तरफ थ्रेडिंग है, तो भी 1.5 पीस की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमको क्या प्रॉब्लम आई, क्या दिक्कत आई, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिक्कत आ सकती है और आएगी 100%, ठीक है दोस्तों। वही मैं बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसमें मैंने क्या किया, जो हमारा बैरिंग साइज प्रॉपरली टिकर है और साइज भी ना हिले, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन भी रूटीन में चलता रहे, ठीक है दोस्तों। हमने क्या हुआ, एक्चुअल में हमने फर्स्ट साइड तैयार किया, ठीक है, फर्स्ट साइड में तो चलो ये हमारा ओपन साइज था, इसमें कोई मार्जिन नहीं था, बट बैरिंग साइज पीछे सेकंड साइड में बैरिंग साइज था, ठीक है, ये 30 mm का बैरिंग साइज था और इसमें थ्रेडिंग है 1.5 पीस की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें थ्रेडिंग था 1.5 पीस की, इसमें बैरिंग साइज जब हमने 30 mm बनाया दोस्तों, तो जब यहाँ पे देखो थ्रेडिंग करते समय यहाँ पे ग्रूव डाला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा ग्रूव डाला हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब भी हम फाइनल टूल से क्या करते थे, फाइनल टूल से थ्रेडिंग का डाया बनाए, यहाँ पे ग्रूव डाले, ग्रूव डालते समय क्या होता था दोस्तों, हमारी जो इंसर्ट थी ये थोड़ा बहुत हिल जाती थी, दोस्तों इसमें हमारा 10 या 15 माइक्रोन में साइज मांगा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो 10 से 15 माइक्रोन का साइज था दोस्तों, तो इतना हमारी क्या क्या था, टूल का जो इंसर्ट होती थी हमारी हिल जाते थे, जब जितना मर्जी टाइट किए थे, ठीक है दोस्तों। ये ग्रूव डालते समय क्या होता है, हमारा लोड पड़ता है टूल पे, ठीक है, जैसे हम ग्रूव डाले 2.5 mm का ग्रूव था दोस्तों, यहाँ पे जैसे 28 का डाया है ना, तो 2.5 mm नीचे ग्रूव का हम डालते थे, तो इस पर लोड पड़ रहा था, 2 कट में डाले फिर भी लोड पड़ रहा था, तो क्या होता था हमारा ये साइज हिल जाता था, क्या होता हमारा एक महंगा पीस भी था, ठीक है दोस्तों, एक दो पीस निकाले सही आया, तीसरे पीस में हिल गया, क्या हुआ 10-15 माइक्रोन से अगर ओवर जाए, इससे डाउन आए, तो फिर भी हमारा क्या होता था, पीस ख़राब हो जाता था, ठीक है। तो उसी का मैंने एक हल निकाला, कैसे तैयार किया, कैसे सेटिंग लगाया प्रॉपरली, मैं पूरा मशीन पे आपको दिखाने जा रहा हूँ और बताऊँगा साथ साथ कि कैसे मैंने किया हुआ है, ताकि हमारा रूटीन में चले। या आप यकीन नहीं मानोगे, जब से मैंने ओके किया, सेटिंग सही किया इसका और प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत इधर उधर किया, पूरी रात बंदा चलाता रहा, कोई साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी बैरिंग साइज़ में, आपको 10 से 15 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 माइक्रोन से इससे ज़्यादा साइज़ नहीं है, ठीक है। वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मशीन पे डायरेक्टली जाके क्या मैंने किया हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये वो कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो मैं देखो लगा हुआ है, फर्स्ट साइड मैंने किया हुआ था, ठीक है दोस्तों, अब ये फर्स्ट साइड किया हुआ था, सेकंड साइड किया हमारा बैरिंग साइज तैयार हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 30 mm का बैरिंग साइज है, मैं अभी भी आपको दिखाया था, ठीक है, अभी दिखा दे रहा हूँ, 30 mm का बैरिंग साइज है, ठीक है दोस्तों। ये 30 mm का बैरिंग साइज, इधर 32 का डाया है दोस्तों, यहाँ पे थ्रेडिंग किया है, 28.5 की थ्रेडिंग लगी हुई है हमारी, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है 100% कह रहा हूँ, ठीक है। एक देखो, एक ये है TNMG का 0.4 इंसर्ट, जो कि लेफ्ट में टूल लगा हुआ है हमारा, ये कौन सी है, ये नाइफ एज है TNMG 0.4, ठीक है दोस्तों। ये क्या करती है हमारी, ये फाइनल बनाती है, जब भी दोस्तों कोई चैटरिंग आए, ओवल्टी आए, क्या करना आप, ये TNMG नाइफ हेड 0.4 की इंसर्ट देना लेफ्ट में, या जैसे आपका टूल होगा लेफ्ट में राइट में कुछ भी हो, ठीक है, हमारा टूल है लेफ्ट में, तभी हमने लेफ्ट के इंसर्ट लिया TNMG नाइफ हेड, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या करना, आप इससे फाइनल लगा देना, फाइनल क्या हो गया, अगर आपका चैटरिंग आ रहा है, मान लो सपोज आप पीस पकड़े हुए, आपका ज़्यादा बाहर पीस है, तो क्या होगा, आपका पीस ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन करता रहेगा, तो चैटरिंग भी आएगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, चैटरिंग कंट्रोल हो जाती है अपने, ठीक है, चैटरिंग भी कंट्रोल होती है, जो ओवल्टी थोड़ा बहुत आती रहती है वो भी सही हो जाती है, ठीक है। तो बैरिंग साइज आपका प्रॉपरली ठीका भी रहता है। मैंने क्या किया था, गलती इसमें क्या किया था, मैंने एक W का टूल लगाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये देखो इसकी इंसर्ट भी चली गई है, ये W का टूल लगाया हुआ था यहाँ पे दोस्तों। तो W का क्या किया मैंने, W से इसको रफ कर रहा था, ठीक है, W से रफ कर रहा था, तो यहाँ पे जो ग्रूव डाला था मैंने, ये फाइनल टूल से डाला हुआ था, जो TNMG नाइफ है, ठीक है, इससे फाइनल टूल से क्या किया मैंने, यहाँ पे एंगल लगाया, डाया बनाया, यहाँ पे जो ग्रूव है, यहाँ पे मैं जो ग्रूव है यहाँ पे इससे ग्रूव देता था, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे ग्रूव देता था 2.5 mm, ये हमारी इंसर्ट जाती थी हील, ठीक है, तो हमारा इस ग्रूव के बाद आ गया बैरिंग साइज, पहले इंसर्ट हील गया तो बैरिंग साइज हमारा कहाँ सही आएगा दोस्तों, ठीक है, एक दो पीस सही आया, तीसरे पीस में हिल गया, ठीक है, ऐसे होता था, ठीक है। तो मैंने उसी का हल निकाला, पहले W का लगाया हुआ था, W का टूल यहाँ पे लगाया हुआ, W से यहाँ पे ग्रूव तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ मैं सोचा कि मतलब ये हमारा एक्चुअल में साइज हिल कहाँ से रहा, हमारा सारा कुछ सेटिंग भी सही है, हर चीज़ सही है। फिर मैंने देखा, एक पीस को कूलेंट ऑफ करके चलाया, फिर देखा मैं गैस लगाया कि मैं अच्छा ये बात है, इससे जब ग्रूव डालते समय क्या होगा, तो हमारा जो आग निकलता था, भले ही कूलेंट चलता था ना, उसमें से मतलब लोड पड़ती थी इस पर, इसकी वजह से इसमें से आग निकलती थी, इंसर्ट हमारी थोड़ा बहुत हिल जाती, डैमेज हो जाती, इसकी वजह से यहाँ पे साइज़ भी हिल जाता था, 10-15 माइक्रोन में साइज दिया था, 20 माइक्रोन 25 माइक्रोन ऐसे आता था, कई बार तो ऐसा था तो डाउन भी हो जाता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
डब्ल्यू का टोल हटा के मैंने एक लगा दिया TNMG, एक और टोल लगा दिया। TNMG एक और टोल लगाने का क्या मतलब, इसलिए लगाया दोस्तों ताकि हमारा इससे TNMG से क्या टर्निंग करेंगे हम, टर्निंग करके दोस्तों यहाँ पे TNMG से ही ग्रूव डाल देंगे। बट ये डाया में मार्जिन और ये डाया में मार्जिन, दोनों में ये डाया और ये डाया में, ठीक है, इसमें क्या होगा हम मार्जिन छोड़ देंगे हमारा फाइनल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम, ये डाया में गए, जैसे एक में मार्जिन छोड़ दिए, यहाँ पे ग्रूव डाल दिए राफी टूल से, TNMG टूल से क्या है दोस्तों हमारा ग्रूव डाल दिए इसमें, जो ग्रूव डाल दिए, ग्रूव इसलिए पड़ा दोस्तों ताकि हमारा ये चेक नट जो है ना हमारे ये पूरा पार हो जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ तक पूरा एंड तक चेक नट आ जाए, ठीक है। वैसे करते थे दोस्तों तो चेक नट में एंगल नहीं लगा होता था पीछे, ठीक है, ये जो एंगल छोटा था तो चेक नट हमारा प्रॉपरली जाम नहीं पाता था, इसकी वजह से यहाँ पे जो इसमें डिवेंशन दिया हुआ है ड्राइंग में, यहाँ पे ग्रूव में मांगा हुआ, ग्रूव मांगा इसलिए दोस्तों कि ताकि हमारा चेक नट प्रॉपरली आराम से चढ़ जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसकी वजह से ग्रूव डालना पड़ता था, ग्रूव डालते थे तो डब्ल्यू से दिक्कत आता था, WNMG टूल से दिक्कत आता था, तो फिर हमने TNMG टूल लगाया। TNMG टूल से क्या किया, यहाँ पे टर्निंग करके एक एम का मार्जिन यहाँ पे तीनों पे छोड़ दिया, यहाँ पे क्या हुआ ग्रूव डाल दिया, ग्रूव फाइनल डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो अब फाइनल टूल से मैंने क्या किया, फाइनल टूल से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एंगल लगाया, यहाँ पे एंगल लगा के दोस्तों यहाँ पे 28 टायर बनाया, यहाँ पे 30 mm बेरिंग साइज बनाया, यहाँ पे 32, ठीक है। इसको प्रॉपरली दोस्त बनाया, मैं कहता हूँ सारी रात बंदा चलाता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आई। आपको दिखा रहा हूँ कितना माल चला चला के ढेर भी लगा दिया है। मैं आया सुबह, मैं कहा साइज वगैरह हिल रहा था, कहता भैया कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मैं तभी मैं सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना के डाली जाए ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी आप सेटिंग लगाओ कुछ भी करो तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। सर ये क्या कि हमारा ये थ्रेडिंग टूल है, ये 1.5 इंच के थ्रेडिंग लगी हुई है, थ्रेडिंग टूल है और ये सेंटर है इसका, ठीक है। सर यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल टूल बंधा हुआ हमारा TNMG नाइफ एज 0.4 और यहाँ पे क्या हुआ हमारा TNMG 0.8 ये रफ है, ठीक है, इससे हम रफ कर रहे हैं उसे फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन टूल चार टूल हमारा चल रहा है जो कि सेंटर भी लगा रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपको भी बताऊँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो, और आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का हिंट भी दिखा दे रहा हूँ प्रोग्रामिंग कैसे किया हुआ। एक क्या हुआ हमारा रफ टूल का है, ठीक है, 7 नंबर टूल का रफ का प्रोग्रामिंग किया हुआ है हमारा, जो TNMG से हमने किया हुआ था। इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ ग्रूव मैंने कहाँ डाला हुआ है, ठीक है। ये देखो एक तो ग्रूव यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ग्रूव यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इस पर क्या हुआ चैटरिंग आती थी, अगर एक बार में हम 2.5 mm अंदर जब ग्रूव करते थे तो चैटरिंग आती थी। फिर से मैंने क्या किया उसी पे, सेम उसी पे, ठीक है, 25.10 पे लगा के फिर मैंने 25.10 पे, पहले देखो 12 की स्पीड में थी, 12.12, फिर मैंने उसके स्लो गए, सेम उसी पे देखो 25.10 25.12 उस पर कर दिया, क्या होगा हमारा जो चैटरिंग थी वो गायब हो गई, ठीक है, क्योंकि कुछ मार्जिन ही नहीं मिला, जो चैटरिंग थी वही गायब हुई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ये ऊपर गया टूल, ठीक है, ये 75.0 हमारा रफ करके ऊपर गया, फिर आया हमारा फाइनल टूल 6 नंबर, ठीक है। ये जो नाइफ एज इंसर्ट लगाया मैंने बताया TNMG, ये 6 नंबर टूल है। इससे क्या हुआ मैंने शुरू से ही तो 28 आया इसका, तो मैंने क्या किया एंगल लगाया 25.90 से शुरू किया एंगल लगाया, ठीक है, एंगल लगाया यहाँ पे 28 डाया बना फीचर 1 पे, फिर मैंने 24.6 पे गया, फिर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लगाया, 30 डिग्री का इसलिए एंगल लगाया दोस्तों यहाँ पे ताकि चूड़ी में जब चूड़ी डालते समय यहाँ पे भाभी ना आए, ठीक है, यहाँ पे कोई बरसी ना आए, आराम से चूड़ी पड़ जाए, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 30 डिग्री एंगल लगा दिया यहाँ पे, तो फिर मैंने 16 तक यहाँ पे 28.5 से मैंने शुरू किया, फिर यहाँ पे 30 mm बैरिंग साइज, यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत भी टेपर ऐसी आ रही है यहाँ पे, देखो मैंने टेपर प्रोग्राम में डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो 30.025 है, 30.013 इतनी सी टेपर थी, इतनी सी टेपर मैंने क्या किया प्रोग्राम में डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम में डाला, फिर आ गया मैं 32, यहाँ पे देखो 30.5 पे मैंने उठा एंगल लगाया, ठीक है, 45 डिग्री एंगल लगा के 31.98, ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया ये डाया बना दिया, ठीक है, यहाँ पे जाके ये डाया बना के एंड पे जाके ऊपर उठा लिया, ये हो गया हमारा फाइनल। ये हम अब आ गया हमारा थ्रेडिंग टूल, थ्रेडिंग टूल में दिखाया दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर टूल था हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे साइकिल में भरा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखो साइकिल में देखो अभी 1.5 पीस थ्रेडिंग डाली हुई है यहाँ पे, ठीक है, 1.5 पीस थ्रेडिंग हो गई हमारी, और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो 10 फीट कटिंग है ना, क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट, तो हमारा गहराई होगी क्या, इसमें क्या डिवेंशन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि आपने बराबर कट डालना है या फिर पहले मोटा है फिर बाद में पतला है, पहले पतला फिर बाद में मोटा, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता रहा है डाई भी डाल, एक्सटर्नल या इंटरनल, मतलब डाई भी डालना है या फिर बोर में डालना है। यहाँ पे देखो अभी डाई का बना हुआ है, अब क्या हुआ ये बोर का हो गया, ठीक है, कोई भी आईडी में अगर चूड़ी डली हुई है वो चीज़ है इसका, ठीक है, सिलेक्ट बटन प्रेस करोगे बार बार तो ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो फिर मैंने साइज डाल दिया 28 का, फिर Z2 को रेफरेंस कर लिया, ठीक है, जितने से हमने स्टार्ट करनी है मतलब Z2 पे आके फिर कितना एंड पॉइंट ऑफ थ्रेड, ठीक है, जितना तक चूड़ी गई हमारी, ठीक है,
पे क्या है, थ्रेड एडवांस में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे जीरो रहेंगे, थ्रेड रन आउट कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया थ्रेड, थ्रेड डेप्थ कैलकुलेशन फ्रॉम थ्रेड पिच, ठीक है, यहाँ पे जो जितना आपका कुछ भी नहीं करना, आपने जितना आपका पिच होना उसका आधा करके यहाँ पे डाल देना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो चार कट मैंने मारा हुआ है, नंबर ऑफ रनिंग कट, चार कट मैंने लगाया हुआ है और ये है आखिरी कट फिनिशिंग अलाउंस, ठीक है, ये आखिरी कट है 0.2 का, 0.02 का लगाया हुआ है, ठीक है, आखिरी कट है, ठीक है, फिर मैंने जेड वन पे खींच लिया, बस ओके कर दो, ये अपना साइकिल तैयार हो जाता है। मैनुअल भी आपको, मैनुअल आपको सीखना है, मैनुअल आपको चलाना आता है तो मैनुअल का भी प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, ऑलरेडी बना चुका हूँ प्रोग्राम, उसमें देख लेना, ठीक है, उसमें तो ऐसे कुछ हमारा तैयार हो जाता है पिस्ट है। मैंने सोचा आपको भी बताऊँ, आपको भी थोड़ा बहुत इससे तो क्या होगा, आपको भी सीख मिलेगी, ठीक है, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो सीख मिलेगी, ठीक है। तो सारी रात लड़का चलाया, कोई साइज नहीं हिला, प्रॉपरली अपना साइज आता गया, ठीक है, तो ऐसे पूरी रात बंदा चलाया, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर देना, क्योंकि सीएनसी रिलेटेड मैं आपको जो भी पूछोगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको पूरा पूरा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कैसा भी हो कोई भी हो, जितना मुझे एक्सपीरियंस के तौर पर आता है मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।